हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी को। जैसे कि क्या आप सभी का बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सो थैंक यू आप सभी को। और जैसे कि क्या चैनल पे नए हो, सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, जैसे कि क्या हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, आज हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है, अनुवांशिकता क्या होती है, उसे हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड ये है कि इसमें कैसे हमारी जो क्या होती है, जो हमारे गुण होते हैं, वो हमारे आने वाली जनरेशन में कैसे उनका विकास होता है, कैसे ये चीजें आती हैं, आज हम ये सारी चीजें समझेंगे इस क्लास के अंतर्गत। ओके, तो जैसे कि क्या विदाउट टाइम लॉस की हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्या आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जेनेटिक्स है। ओके, पहले तो हम जेनेटिक्स समझते हैं, ठीक है। अनुवांशिकता, ओके, तो जस्ट हम क्या समझेंगे, अनुवांशिकता। अब आइए देखते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। कि देखिए, अपने इट मींस अपने वंशानुगत गुणों को, क्या कि गुणों को अपनी पीढ़ी में, वंशानुगत मतलब क्या, पीढ़ी टू पीढ़ी, मतलब कि वन जनरेशन टू एनदर जनरेशन में कन्वर्ट होना, मतलब कि क्या अपने गुण को अपनी ही जनरेशन में वो चीजें जब सामने आती है, इट मींस क्या वंशानुक्रम गुणों को क्या करता है, अपनी जनरेशन में लाना, वही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। इट मींस अपने गुणों को क्या, जो अब इट मींस जो हमारा वंशानुगत गुण है, वही गुण हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसमें लाना, वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। क्या अनुवांशिकता कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब जेनेटिक्स अनुवांशिकता की बात करेंगे तो ये तो मानो में तो होगा, ये 100% मानो की बात कर रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों में भी होता है। अगर मानो की बात करते हैं तो अब इसका मतलब ये नहीं भाई कि अनुवांशिक गुण को, देखो अनुवांशिक गुण है वो मतलब हमारी जनरेशन में आए, नो इशू, वन मिनट, मतलब क्या कि हम क्या बता रहे थे कि जेनेटिक्स की क्या कि वंशानुगत गुण को आगे ले जाना, मतलब वही गुण जो है उसे आगे ले जाना, जो हमारे अंदर गुण है उसी को आगे ले जाना, आगे ले जाना अनुवांशिकता कहलाता है, क्या जेनेटिक्स कहलाता है। जिसमें क्या होता है कि अब ये गुण सिर्फ मानव का है, ना कि समाज का है। समाज का मतलब ये, जैसे मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, ठीक है, तो क्या मेरी जो जनरेशन आएगी, ऐसा नहीं है कि मेरी जो जनरेशन आएगी, नई जनरेशन जो आएगी उसमें वो भी एक टीचर बने, या फिर उसका भी उसका ये एक इट मींस मेरा एक इंटेलेक्चुअल क्या है कि मेरा कैरेक्टर है कि मुझे अच्छा लगता है, टीचिंग पैशन है मेरा, तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, मुझे नॉलेज है, ठीक है। अब जरूरी ये नहीं है कि जो मेरी आने वाली जनरेशन है उसका भी इंटरेस्ट यही हो, गुण ये गुण उसको मिल जाए, तो ऐसा नहीं। जैसे कहते हैं पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये सब जेनेटिक गुण नहीं है। जेनेटिक गुण वो होते हैं कि एक जाति जो होती है, एक मनुष्य जाति का जन्म देना, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक कहलाता है। अब मनुष्य जो एक जन्म देगा वो क्या डायनासोर तो देगा नहीं, वो मनुष्य को ही जन्म देगा। अब उसमें क्या होता है, उसका कुछ कैरेक्टर मिलता है, उसे बोलते हैं अनुवांशिकता, जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई, इसलिए क्या होगा, अब कोई देखिए पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए पहलवान को जन्म उसका जेनेटिक गुण नहीं है, वो अपने किससे, टैलेंट से पहलवान बना हुआ है, अपने हार्डवर्क से पहलवान बना, वो मेहनत किया, उसका गुण नहीं है, एक मतलब उसका जेनेटिक गुण नहीं है। उसी प्रकार से डॉक्टर भी कोई है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, जो मेरी जनरेशन होगी क्या वो भी बायोलॉजी का टीचर होगा, नहीं होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक गुण थोड़ी है। जेनेटिक गुण मतलब वो क्या होता है कि जो एक समान, मतलब एक मनुष्य का, मनुष्य के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो उसके अंदर आए, उसे जेनेटिक। अब बात करते हैं कि जेनेटिक के पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, फादर आप जेनेटिक्स किसे कहते हैं, अनुवांशिकता के पिता, ठीक है।
अनुवांशिकता के पिता फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। दैट्स क्लियर। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। और पता है ये एक मैथमेटिक के स्टूडेंट थे क्या, कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, ना कि ये बायोलॉजी के थे। लेकिन क्या एक जिज्ञासा लाइफ में अगर किसी के पास जिज्ञासा है, हर स्टूडेंट के पास जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो क्या हुआ कि इन्होंने और सबसे पहले ये क्या देखे कि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि जेनेटिक्स की डिस्कवरी अगर किसी ने की तो इन्होंने की, अनुवांशिक जो लक्षण है देखने के लिए यही देखे थे। और किसमें देखे थे? ये गार्डन पी में देखे थे। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं किसमें, कि गार्डन पी, ठीक है क्या, कि गार्डन पी में इन्होंने देखा था कि जो बगीचे की मटर थी, ठीक है, बगीचे की जो मटर थी, पी थी, इन्होंने उस पर रिसर्च किया था, तब इन्हें लक्षण मिले थे। क्या? तब इन्हें समझ आया था कि जेनेटिक्स क्या होता है। और पता है इन्होंने, आप सोचिए इन्होंने मटर पे ही क्यों अपना ये जो जितने सारे इन्होंने लॉ दिए, इन्होंने मटर पे ही क्यों इस पे स्टैंड किया, इन्होंने मटर को ही क्यों लिया? क्योंकि देखिए मटर का जो प्लांट होता है वो इजिली अवेलेबल होता है, पहली बात तो, ठीक है, इजिली मिल जाता है हमें, ठीक है क्या, इजिली मिल जाता है। और दूसरी बात अगर देखेंगे कि मटर का जो टाइमिंग होता है वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस नहीं होती है, 3 मंथ में मटर जो है प्लांट तैयार हो जाती है, वो नेक्स्ट जनरेशन उसकी देखने को मिल जाती है। और इसका टाइमिंग क्या होता है एक किसका, मटर का, तो ये 100 टाइमिंग होता है, ओके, 100 टाइम में ये तैयार हो जाती है। और इसकी बहुत सारी वेराइटीज इनको देखने को मिली, क्या, कि इनको बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिली, बहुत विभिन्नताएं देखने को मिली। इट मींस क्या, कि इनको बहुत सारी वेराइटीज देखने की मिली, बहुत सारी, जैसे कि क्या, एक लंबा मटर देख, लंबा मटर का प्लांट है, छोटा मटर का प्लांट, और फिर क्या उसके जो फली है बहुत बैग, कुछ पर्पल कलर की होती है, कुछ व्हाइट कलर की होती है, इन्हें विभिन्नताएं उनमें देखी। और पहली बात तो ये इजिली अवेलेबल थी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं इनका जो थ्योरी है उस पे जाते हैं। इन्होंने थ्री लॉ दिया था, जो कि सबसे फेमस अगर लॉ की बात करेंगे, डोमिनेंस लॉ, जो कि बहुत ही फेमस है, उसको हम प्रभाविकता का नियम जो है बहुत ही फेमस है, जस्ट हम उसको समझते हैं, ओके। यहाँ तक चीजें आई होगा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ओके। तो जस्ट हम इसे इरेज करके आगे बढ़ते हैं कि क्या इन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, ठीक है, ओके। तो जस्ट हम समझते हैं कि इन्होंने लिया क्या था। अब जैसे गुणसूत्र की बात करेंगे, क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, क्या, गुणसूत्र हमेशा पेयर में होते हैं, दैट्स क्लियर, क्या, गुणसूत्र हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। और आपको मैंने बताया है कि जैसे मदर और फादर का जो एक पेरेंट्स का जो बेबी होता है, 50% माँ का उसमें क्वालिटी गुड मिलता है, 50% फादर का मिलता है। तो अब जैसे इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, क्या कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, अब मेंडल शॉर्टकट में आपको बोल रहे हैं कि मेंडल थे, इन्होंने एक लंबा पौधा लिया, ठीक है, इन्होंने एक लंबा पौधा लिया, ओके, किसका, मटर का, ठीक है, लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, ठीक है, क्या, बौना पौधा लिया, ओके, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। अब आपको बता दिए हैं कि जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, तो अगर बात करेंगे ह्यूमन में तो 23 पेयर, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने इसमें क्या ही बात करेंगे, ये माना, इन्होंने माना कि मान लीजिए ये लंबा पौधा है तो इसका क्या TRT गुणसूत्र इन्होंने रखा, ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा पेयर में होते हैं। और अगर बात करेंगे इसकी बौने पौधे की, बौना पौधे की बात करेंगे
तो इसमें इन्होंने स्मार्ट टी रखा, क्या कि कैपिटल टी जो लंबा पौधा था उसका गुणसूत्र इन्होंने माना कैपिटल टी, और जो बौना पौधा है उसका गुणसूत्र इन्होंने माना कि स्मार्ट टी। अब इन दोनों का जब क्रॉस करवाए, इन दोनों का क्रॉस हुआ, ठीक है, जिसे संकरण बोलते हैं, ठीक है, संकरण हुआ। तो अब देखिए एक टी यहां से मिला, ठीक है, एक टी यहां से मिला और एक स्मार्ट टी यहां से मिला, क्या कि एक टी यहां से मिला, एक टी यहां से मिला, क्या कि अगर आप सोचिए कि लंबा पौधा और बौना पौधा का पौधे का संकरण, ठीक है, लंबे पौधे और बौने पौधों का संकरण अगर किया जाता है, करवाया जाता है, तो एक तो क्या कि इसका जो एक क्या मिला, कैपिटल टी मिला और दूसरा स्मॉल टी मिला। अब देखिए ये एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, तो इन्होंने क्या किया कि ये गुण इसमें कैसे शो किया जाए, ये चार इसका इफेक्ट पड़ता है कि चारों में क्या चीजें हैं, वो इसको इन्होंने कैसे बताया कि पता है इन्होंने एक चार्ट बनाया, चार्ट के थ्रू इन्होंने समझाया कि क्या चीजें कैसे होती हैं, कैसे कितने परसेंट क्या होता है। तो इन्होंने एक डिब्बा बनाया, ठीक है, इन्होंने एक डिब्बा बनाया, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे भाई, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखिए ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने टी लिखा, ठीक है, ये टी, यहाँ पे स्मार्ट टी, और फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे टी, ठीक है, ये स्मार्ट टी। अब सोचिए इनका इनका जब क्रॉस हुआ, ये कैपिटल टी और इनका क्या हुआ, स्मार्ट टी कैपिटल टी, ठीक है, इसमें भी क्या, ये, और इसमें स्मार्ट टी। अब इससे इन्होंने इट मींस जब क्रॉस हुआ, अब देखिए इसका क्रॉस, इनका क्रॉस हुआ और फिर उसके बाद इनका हुआ, तो इन्होंने क्या बताया, जैसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है तो छोटा जो इंसान होता है उसमें क्या होता है, वो भारी पड़ जाता है, तो डोमिनेंस रूल, आप क्या, इन्होंने क्या डोमिनेंस रूल दिया, एक प्रभाविकता का नियम दिया, क्या प्रभाविकता का नियम दिया, प्रभाविकता का नियम दिया, ठीक है, डोमिनेंस कि आप देखिए उसके बाद फिर क्या, अब आप सोचिए कि देखिए इसमें डबल टी है, ठीक है, क्या कैपिटल टी है, तो इट मींस क्या ये किस, क्या कैपिटल टी लंबा पौधा है, ठीक है, क्या लंबा पौधा है, और स्मॉल टी क्या है, बौना पौधा है, ओके, जो लंबा पौधा है। अब इसमें इसका मतलब ये कि शुद्ध लंबा, ठीक है, और इसमें क्या, इसमें की बात करेंगे तो अशुद्ध लंबा, ठीक है, कि ज्यादा लंबा नहीं है उसमें, क्या कि बौना प्लांट भी है और क्या बौना प्लांट भी है और क्या लंबा प्लांट भी है, दोनों है, ठीक है, क्या अशुद्ध लंबा हुआ। अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी अशुद्ध लंबा हुआ, क्या अशुद्ध लंबा हुआ, क्योंकि देखिए ये इसका कैरेक्टर इस पे क्या हो जाता है, टी जो है कैपिटल टी है जो लंबा पौधा है, ये अपना कैरेक्टर इस पे डाल देता है, ठीक है, और इसमें क्या देखेंगे कि शुद्ध बौना। तो देखिए इसमें चार कंडीशन इन्होंने बताई कि क्या, चार कंडीशन इन्होंने बताई कि चार कंडीशन की बात करेंगे तो फर्स्ट में क्या देखेंगे कि लंबा पौधा, एक तो शुद्ध लंबा होगा, ठीक है, क्या शुद्ध लंबा होगा, और दूसरा अशुद्ध लंबा, मतलब उसमें लंबा प्लांट भी इन्होंने देखा और क्या बौना प्लांट भी इन्होंने देखा, और दूसरे में बात करेंगे अशुद्ध लंबा, इट मींस लंबा बौना दोनों, और फिर देखेंगे शुद्ध लंबे, शुद्ध इनको बौना दिखाई दिया, क्या शुद्ध बौना दिखाई दिया। यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे अगली वाली क्लास में, ओके। तो जैसे कि क्या आज जो हमारा टॉपिक था वो जेनेटिक्स चल रहा है, जेनेटिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि कैसे क्या कि जेनेटिक्स के फादर किसे बोलते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। अपनी अनुवांशिक गुण को, क्या वंशानुगत गुणों को आगे ले जाना, इसे क्या क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। यहाँ तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी।
और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल, बाय।